दोस्तों अगर आपके पास एक पुराना टीवी है, एलईडी टीवी है, जिसमें कि आपको कोई भी फीचर नया वाला नहीं मिलता है, आप जानते हैं कि 12,000 से 13,000 में अभी जो है एक यहाँ पर स्मार्ट टीवी आपको मिल जाता है, लेकिन आपने बहुत पहले खरीद लिया होगा, वो नॉर्मल सा टीवी है, तो क्या आप अपने टीवी को अभी स्मार्ट टीवी में कन्वर्ट करना चाहते हैं? अगर दोस्तों आप अपने नॉर्मल टीवी को स्मार्ट टीवी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। मैं आपको एक ऐसा प्रोडक्ट का अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा, आपको डेमो दिखाऊंगा, जिससे कि आपका नॉर्मल जो पुराना टीवी होगा वो स्मार्ट टीवी में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको जानना है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हेलो, मेरा नाम है अभिनव, आप देख रहे हैं यहाँ एवरीथिंग। दोस्तों और इस तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं बॉक्स कुछ इस तरह का है, बीलिंक का ब्रांडिंग है, GT1 यहाँ पर ये मॉडल नंबर है, और 4K टीवी बॉक्स है यहाँ पर लिखा गया है, और बॉक्स के आपको दो साइड यहाँ पर बीलिंक का और ब्रांडिंग मिल जाता है। अगर यहाँ पर बात करें बैक साइड के बारे में तो आपको सब कुछ यहाँ पर दिखाई दे देगा कि इसमें आपको क्या क्या देखने को मिल जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं जो CPU यूज किया गया है, काफी अच्छा यहाँ पर CPU यूज किया गया है, और इसमें आपको 3GB का रैम और 32GB का इंटरनल स्टोरेज मिल जाता है, लेकिन रैम का क्वालिटी भी काफी हाई है। जी हाँ, और यहाँ पर आपको ब्लूटूथ 4.0 का सपोर्ट मिल जाता है, काफी कुछ यहाँ पर आपको पोर्ट मिल जाए, यहाँ पर आप TF कार्ड भी यहाँ पर लगा सकते हैं, यानी SD कार्ड भी आप इसमें लगा सकते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पर बॉक्स को ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा आपको किस तरह से यहाँ पर यूज करना है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे बीलिंक का एक छोटा सा क्यूट सा यहाँ पर टीवी बॉक्स आपको मिल जाता है, ये स्मार्ट टीवी बॉक्स है, इसे मैं यहाँ बाद में आपको बताऊंगा क्या क्या आपको मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर एक एडेप्टर आपको मिलेगा, यहाँ पर देखेंगे नॉर्मल सा एडेप्टर है, इसके थ्रू आप इसमें पावर दे पाएंगे। इसका जो यहाँ पर पिन देख सकते हैं कुछ इस तरह का गोल वाला पिन है, मोटा वाला, जो कि आपके लैपटॉप में चार्जर में आता है। उसके बाद दोस्तों बॉक्स में आपको मिल जाता है एक HDMI पोर्ट, यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर केबल दिया गया है, जिसका क्वालिटी दोस्तों काफी गजब का है। उसके बाद दोस्तों बॉक्स में आपको एक रिमोट कंट्रोल यहाँ पर मिल जाता है, जिसमें कि आपको सारा कुछ फंक्शन मिल जाएगा, और यहाँ पर रिमोट में आप देख सकते हैं आपको माउस का भी सिंबल मिल जाता है, जिसके मदद से आपको यहाँ पर पॉइंटर मिल जाएगा आपके टीवी में ही, जो कि काफी खास है। अब चलिए दोस्तों इसे साइड कर लेते हैं और देखते हैं जो टीवी बॉक्स है, स्मार्ट टीवी बॉक्स है, वो कैसे देखने में लगता है। यहाँ पर देखेंगे जो यहाँ पर डिजाइन दिया गया है, बीलिंक का ब्रांडिंग किया गया है, काफी खूबसूरत सा यहाँ पर लगता है, लेकिन यहाँ पर प्लास्टिक यूज किया गया है, मेटल यूज नहीं किया गया है। यहाँ पर आप पीछे साइड में आपको कुछ मिल जाता है, आगे की साइड में आपको नोटिफिकेशन लाइट मिलेगा, जो कि अभी यहाँ पर दिखता नहीं है, यहाँ पर पावर देने के बाद दिखता है। यहाँ पर बैक साइड आपको यहाँ पर कुछ पोर्ट मिल जाएंगे, यहाँ पर देख सकते हैं आपको USB पोर्ट मिल जाता है, HDMI आउट पोर्ट मिल जाता है, LAN का यहाँ पर पोर्ट मिल जाता है, SPDIF यहाँ पर पोर्ट आपको मिल जाता है इसमें, और इस साइड आपको एक और USB मिल जाता है, जिसमें आप पेन ड्राइव लगा सकते हैं और SD कार्ड का स्लॉट लग जाता है। तो यहाँ पर काफी कुछ आपको कनेक्टिविटी मिल जाता है इस बॉक्स में, और काफी हल्का है, काफी छोटा सा है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं इसका यूज आपको कैसे करना है। सबसे पहले दोस्तों आपको इसमें यहाँ पर आपको जो पावर है इसको देना होगा, यहाँ पर इस पोर्ट के साथ पावर आप दे सकते हैं, अपने बोर्ड में लगा सकते हैं, डायरेक्टली आपके टीवी में बीलिंक का यहाँ पर ब्रांडिंग आ जाएगा। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का आपको एनिमेशन दिखाई देगा पहली बार जैसे आप कनेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर सेटअप यहाँ पर प्लीज वेट आपको करने के लिए बोलेगा, और उसके बाद आप यहाँ पर लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, इसे आपको वाईफाई से कनेक्ट करना हो, आप अपने यहाँ पर फोन के हॉटस्पॉट से भी इसे कनेक्ट कर पाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं अपने JioFi से यहाँ पर कनेक्ट कर रहा हूँ, और कनेक्ट करने के लिए इनपुट देने के लिए आप यहाँ पर रिमोट का यहाँ पर यूज करेंगे। आप देख सकते हैं अगर आपके पास एक कीबोर्ड है तो आप उसे भी कनेक्ट कर सकते हैं, और कीबोर्ड से डायरेक्टली यहाँ पर इनपुट दे पाएंगे, और इसमें आप अपना माउस भी कनेक्ट कर पाएंगे, जिससे कि इनपुट देने में काफी अच्छा होगा। आप देख सकते हैं होम यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का आपको मिल जाता है, काफी सिंपल सा यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ पर आपको बहुत कुछ आपको मिल जाएंगे, जैसे कि आपको एक एंड्रॉयड स्मार्टफोन में मिलता है, सारा कुछ फंक्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा, आप इसमें ईमेल आईडी के साथ लॉग इन कर पाएंगे, प्ले स्टोर आपको यहाँ पर जो है पहले से ही लोड करके मिल जाता है, सिस्टम अपडेट भी आपको यहाँ पर मिलता रहेगा। जी हाँ, और इसमें आपको मिल जाता है एंड्रॉयड का नोगर, जो कि लेटेस्ट माना जाएगा स्मार्ट टीवी के मुकाबले में। जी हाँ, तो आप यहाँ पर प्ले स्टोर से बहुत सारे एप्लीकेशन यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं यहाँ पर यूट्यूब को इंस्टॉल कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पर यूट्यूब जो है इंस्टॉल हो चुका है, और आपको बहुत सारे एप्लीकेशन पहले से ही मिल जाते हैं ऐप स्टोर में, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यहाँ पर एप्लीकेशन दिया गया है। अब मैं यहाँ पर यूट्यूब को ओपन करता हूँ, अपना चैनल जो है उसे भी यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी अच्छे तरीके से यूट्यूब जो चल रहा है, वीडियो काफी अच्छे तरीके से चल रहा है, और आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा यूट्यूब यूज करने में, तो आप यहाँ पर काफी अच्छे तरीके से यूट्यूब का मजा ले पाएंगे अपने पुराने टीवी में। जी हाँ, आप अपने पुराने टीवी को स्मार्ट टीवी बना सकते हैं, इसमें आप गेम भी खेल सकते हैं, प्रीलोडेड गेम पहले से ही एक दो यहाँ पर दिया गया है, और भी आप यहाँ पर इंस्टॉल करके इसमें गेम खेल सकते हैं, जो कि काफी अच्छा यहाँ पर है। दोस्तों इसका जो प्रोसेसिंग पावर है वो भी काफी अच्छा है, इसमें जो CPU यूज किया गया है काफी बढ़िया यहाँ पर यूज किया गया है, और दोस्तों आपको काफी कुछ यहाँ पर अच्छी क्वालिटी का एक्सपीरियंस मिल जाएगा इस टीवी बॉक्स के साथ।
तो दोस्तों आपने देख लिया इस प्रोडक्ट का और इसे आप gearbest.com से खरीद सकते हैं। इसका प्राइस लगभग 5000 है, यानी 4000 से 5000 के बीच में है और काफी अच्छा आपको फीचर ये प्रोवाइड करता है। यहाँ पर 3GB रैम है, 32GB इंटरनल स्टोरेज है, आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा। रैम भी है यहाँ पर DDR4 रैम दिया गया है, जो कि आपको काफी अच्छा हाई स्पीड मिलेगा। आप काफी अच्छे तरीके से इसमें यूज कर पाएंगे जो स्मार्ट टीवी होता है। आप एंड्रॉइड के सारे गेम यहाँ पर खेल पाएंगे और मैं इसे लगभग यहाँ पर 2-3 महीने नहीं, लगभग 6 महीने से यूज कर रहा हूँ। तो दोस्तों मैंने इसे खूब टेस्ट किया, उसके बाद ही आपके साथ यहाँ पर इसका रिव्यू शेयर कर रहा हूँ और मुझे यह प्राइस के हिसाब से काफी अच्छा लगा। हालांकि इस प्राइस में Xiaomi का भी यहाँ पर स्मार्ट टीवी बॉक्स जो है अवेलेबल है GearBest पर, आप उसे भी देख सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर आप देखना चाहते हैं, इसमें आपको काफी कुछ हाई क्वालिटी का मिल जाता है Xiaomi के टीवी बॉक्स के मुकाबले में। अगर दोस्तों इसे आप खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।